ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। नमस्कार, अजब गजब में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मेघा। आज हम आपको एक रहस्यमय मंदिर विरूपाक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों में ये मंदिर शामिल है और ये कर्नाटक के हम्पी में है। ऐसी मान्यता है कि हम्पी रामायण काल की किष्किंधा है। इस मंदिर में भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा होती है, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। ये प्राचीन मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। वैसे तो इस मंदिर में कई सारी खासियत हैं, लेकिन इससे कई रहस्य भी जुड़े हैं। इस मंदिर के रहस्य को अंग्रेजों ने भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, उनके हाथ में कुछ नहीं आया। भगवान विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ का शिवलिंग दक्षिण दिशा की तरफ झुका हुआ है। और धार्मिक मान्यता है कि रावण ने भगवान राम से युद्ध में जीत के लिए शिव जी की आराधना की थी। इसके बाद भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो रावण ने उनसे लंका में शिवलिंग की स्थापना करने को कहा। पहले तो भगवान शिव इस बात के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन रावण के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शिव राजी हो गए। लेकिन उन्होंने रावण के सामने एक शर्त रख दी। भगवान शिव ने कहा कि शिवलिंग को लंका ले जाते समय एक भी बार जमीन पर नहीं रखना है। रावण ने भगवान शंकर की यह शर्त मान ली और वो शिवलिंग को उठाकर चलने लगा। लेकिन जब वो लंका की तरफ जा रहा था तो उस दौरान उसने रास्ते में एक व्यक्ति को शिवलिंग पकड़ने को कहा। उस व्यक्ति ने शिवलिंग पकड़ा, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तभी से ये मान्यता है कि ये शिवलिंग यहीं का यहीं रह गया। रावण ने वापस आकर इसे हिलाने की कोशिश भी की, लेकिन काफी कोशिशों के बाद वो इसे हिला नहीं सका। और आज तक हजारों साल बाद भी इस शिवलिंग को वहां से कोई हिला नहीं सका है। इसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर आपको उस घटना के चित्र भी दिख सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि रावण भगवान शंकर से शिवलिंग को उठाने की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन भगवान शिव उसे मना कर देते हैं। मान्यता तो ये भी है कि ये भगवान विष्णु का निवास स्थान था, लेकिन उन्होंने इस जगह को रहने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा समझा और अपने क्षीर सागर में वो वापस चले गए। द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है। इस मंदिर का गोपुरम 500 साल पहले बनाया गया था और ये 50 मीटर ऊंचा है। भगवान शिव और देवी पंपा के अलावा यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। इस मंदिर को विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोकमहा देवी ने बनवाया था। मंदिर का दूसरा नाम पंपावती मंदिर भी है। वैसे तो ये मंदिर अपने आप में पूरा एक रहस्य है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात हैरान करती है वो ये है कि इस मंदिर के कुछ खंभों से गाने की आवाज आती है, इसलिए लोग इन्हें म्यूजिकल पिलर्स भी कहते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने खंभों से संगीत कैसे निकलता है ये जानने की कई बार कोशिश की। इसके लिए उन्होंने इस मंदिर के खंभों को तोड़कर भी देखा और वो हैरान रह गए, क्योंकि खंभे अंदर से खोखले थे और उसमें कुछ भी नहीं था। इस रहस्य का आज तक पता नहीं चल सका है कि इन खंभों से संगीत की आवाज कैसे आती है। इसी वजह से इस मंदिर को रहस्यमयी कहा जाता है। अजब गजब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।